अभिनेता संजय दत्त के कैंसर होने की बात जैसे ही सामने आई उनके फैंस उदास हो गए। हर जगह से अब संजय दत्त के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना हो रही है। इसी बीच कहा जा रहा है कि अपने इलाज के लिए संजू अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच अटक सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त के पास अमेरिका का वीजा नहीं है, वो इसे हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। वो अमेरिका के मेमोरियल स्लोआन कैटरिंग कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका जाने में संजय दत्त का पेंच अटक सकता है, क्योंकि वो मुंबई ब्लास्ट के दोषियों और सजायाफ्ता मुजरिमों में शामिल हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति ना मिले। ऐसे में संजय दत्त सिंगापुर का रुख भी कर सकते हैं। मान्यता दत्त ने संजय दत्त के सभी फैंस और शुभचिंतकों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने संजू के जल्द ठीक होने की कामना की। इस वक्त को पार करने के लिए पूरी ताकत और प्रार्थना की ज़रूरत है। परिवार पिछले साल भी काफ़ी बुरी परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन मुझे यकीन है ये भी गुजर जाएगा। मान्यता दत्त ने आगे लिखा, संजू के फैंस से मेरा अनुरोध है कि वो अटकलों और अफवाहों पर विश्वास ना करें, अपने प्यार और सपोर्ट से हमारी मदद करें। संजू हमेशा एक फाइटर रहे हैं और इसी तरह हमारा परिवार भी रहा है। आगे की चुनौतियों से उबरने के लिए भगवान ने हमें फिर से परीक्षा के लिए चुना है। हम सभी आपसे दुआ और आशीर्वाद चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम हमेशा की तरह विजेता बनकर उभरेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।